इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। आज भारत के सबसे बड़े इस उत्सव पर आज भारतवर्ष अपनी आजादी के 75वें ये स्वतंत्रता दिवस की एक रात पहले हम सब लोग इस स्वतंत्र दिवस को मनाने के लिए उन शहीदों को, जिन शहीदों ने हमको ये आज़ादी दिलाई, उनको नमन करने के लिए हम सब लोग इधर आज इकट्ठे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने भारत के उन सपूतों को जिन्होंने अपनी जान की बाली लगाकर अपना बलिदान देने का, जो इस देश को आज़ाद करने का जो कार्य किया है, हम उन शहीदों को आज सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। हम सब मिलकर इस देश के अंग्रेजों से तो हमें आज़ादी मिली है, लेकिन इस देश के हमें जाति धर्म से अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग कहीं जाति के कहीं धर्म के शोषण यहाँ के लोग करने का काम करते हैं। तो उस आज़ादी के लिए हम नहीं कह सकते, आज़ाद भारत में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र को चलाने वालों की जो मानसिकता ठीक नहीं है, जिसमें धर्म के नाम से शोषण अत्याचार टॉर्चर होता है, वो आज़ादी की अभी हमें जरूरत है। तो आज हर्ष विहार सुहार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह हमारे बीच में हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर सम्मान आदरणीय पंकज राय जी, हमारे जिले के अध्यक्ष यूथ विंग के आदरणीय सागर बब्बर जी, राष्ट्रीय एससी विंग के जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल गौतम जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष अमित कुमार जी, हमारी पार्टी के उज्जवल बक्कर विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र गौतम जी, आदि डॉक्टर जी एस गौतम जी, आदरणीय हमारे बीच में इंद्रपाल जी, हमारी विधानसभा की संगठन मंत्री आदरणीय मेरी बहन गीता सैन सरोज वाला, सम्मानित सभी मेरी बहनें, और इस प्रोग्राम के जो आयोजक है हमारे बीच में, इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे समाज के अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी रहे सम्मानित डॉक्टर इंद्रजीत जी, संगठन मंत्री आदरणीय हमारे बीच में प्रत्युत गौतम जी, सोमोले वार्ड के अध्यक्ष इस मीटिंग को संचालन करे अशोक शर्मा जी, सम्मानित हमारे पूर्व प्रत्याशी जोरीपुर और प्रभारी आदरणीय मणिप्रकाश जी, गुलफाम जी, और अभी आपके बीच में इधर लक्ष्मण त्यागी जी को तो बुलाया जाता है, इधर हम आज लक्ष्मण त्यागी जी को हमारे पंकज राय जी, उनको पद का उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय पंकज राय जी,
आज इनको हम अपनी विधानसभा क्षेत्र का मेनोटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, ताली बजा के स्वागत करें विधानसभा अध्यक्ष। जितने लोग आप बैठे हैं इन सभी के सामने आज हमने इनको पार्टी की जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी ने नोबल त्यागी जी को जिम्मेदार माना है। पहले भी बसपा में कई पदों पर इन्होंने काम किया है, इनकी काबिलियत को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए आप सब लोगों ने मुझे जो समर्थन दिया है मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी आपको सम्मान देने का काम करूं। उसी सम्मान के साथ आज नोबल त्यागी जी को हमारी इस लोकल विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया जाता है और इनको मुबारक देता हूं, दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए और समाज के बीच में खड़े होकर समाज की बात को आगे बढ़ाए और समाज को पार्टी के साथ जोड़कर आने वाले भविष्य के लिए, जिसकी अभी हमारे सम्मानित साथी जो चुनाव की बात कर रहे थे वो दिशा को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद बधाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदार लोगों से ठाकुर साहब जिम्मेदारी ली जाती है। जितने लोग बैठे हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनके बीच में पार्टी की तरफ से जिम्मेदार चुना जाता है कि आपने पार्टी का जो भी आदेश मिले, जो भी हमें ऊपर से आदेश मिलेगा उसको ईमानदारी से निभाने का काम किया जाएगा। तो उसमें जैसे रोजारा जी हमारे हैं, सभी यहाँ अधिकतर सब संगठन के साथी हैं, तो सब अपनी हमारी संगठन मंत्री आदरणीय हमारी बहन गीता सैन जी हैं, रात दिन भागती रहती है, काम करती रहती हैं, महिला होने के साथ साथ एक्टिव रहती हैं। सुरेंद्र जी हमारे बीच में हैं, अनिल गौतम जी हैं, डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं, प्रतीक गौतम जी हैं, सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। प्रतीक गुप्ता जी हैं, तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करते हैं। उसी के तहत आज हमारे परिवार के जिम्मेदार आदमी नोबल त्यागी जी को पार्टी ने उनको जिम्मेदार समझकर जिम्मेदारी देने का जो काम किया, मैं माननीय केजरीवाल साहब, माननीय गोपाल राय जी का भी धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे बीच से एक नेता हमें दिया है जो समाज के लिए संघर्ष करेंगे, पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे। तो आज हम सभी का उद्देश्य है एमसीडी 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है, जहां उनको दिखाई देता है कि यहां भाजपा के लोगों की गली है, उसमें झाड़ू भी लग जाती है और नालियों की सफाई भी हो जाती है। ऐसे होता नहीं होता, लेकिन हमारी पार्टी सबके लिए विकास करती है। यदि बिजली का बिल भाजपा वाले का भी कम होता है और कांग्रेस वाले का बिल कम होता है, होता नहीं होता? क्या हम जाति की बात करते हैं, क्या हम पार्टी की बात करते हैं, कोई राजनीति की बात करते हैं या कोई धर्म की बात करते हैं? हमारे यहाँ पर सिर्फ मानवता इंसान के लिए काम किया जाता है। हमारे वकील साहब बैठे पिछारी जी हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी विकास की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते। तो अब इस देश में आम आदमी पार्टी आपके बीच में आई है, जो इस देश की धर्म और जाति की जो राजनीति करते हैं उसको परिवर्तन करकर सीएम साहब ने कहा कि देश में हम विकास की राजनीति करेंगे। कौन सी? विकास की राजनीति करेंगे। तो विकास होगा,
लोकतंत्र लागू होगा, लोकतंत्र को सम्मान दिया जाएगा, लोकतंत्र के आधार पर ही लोगों के कल्याण की बात होगी, विकास की बात होगी और सब धर्म की मानने वालों की बात होगी। तो हमें इस देश के संविधान को की रक्षा भी करनी है, हिफाजत भी करनी है और इसको दिशा भी देनी है। इसमें तमाम जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनको लागू करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत से इस देश के संविधान को हम सब मिलकर दिशा भी दे सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं, इसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। मिले मौलिक अधिकार उनको हम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। रोजी रोटी कपड़ा और मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं के लिए DTC फ्री, ये सारे मौलिक अधिकार कहाँ मिले हैं? इस देश के संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। इसलिए माननीय केजरीवाल जी उन मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम करते हैं। ऐसे नेता हमें राष्ट्रीय नेता मिले, तो आपसे मेरा नम निधन है कि हम बहुत से दुखी हैं। 25 गज का मकान बनाते लाओ जी 25,000, 50 गज का मकान बनाते लाओ 50,000, 100 गज का मकान बनाते लाओ जी 1,00,000। गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता मकान बनाने में, दो जगह तो खर्च करता है, ये तो शादी में खर्च करता है भैया, मकान में खर्च करता है, वो जो सारे खर्चों के बाद जो बचता तब खर्च करता है, जो उसके पेट से बचता है, पेट काट काट कर पैसे बचाने का काम करता है। एकदम से MCD का आदमी आएगा, टपक जाएगा, लाओ जी या तो इसको तोड़ूंगा या पैसे दो, ये तो कहता ना वो। तो इससे निजात चाहते हैं हम सब लोग, तो इसकी निजात कौन कर सकते हैं? केजरीवाल जी कर सकते हो, किसी की बस की नहीं है। इस समस्या का हल कौन कर सकती है? आम आदमी पार्टी कर सकती है। आपने हमने बनाया, हमने आपकी विकास धारा को तेज किया। एक बसपा का नेता कहता जी हमारी गली बनवा, मैं बच्चे कुछ चिंता कर रही है, हमने सभी की बनवानी है, भाजपा अगर कांग्रेस से हमारा कोई वो नहीं है, हमने सभी के लिए काम करना है। तो आज उस विकास धारा पर, आज देश के सबसे बड़े उत्सव पर, आज 25वीं स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर, इस क्षेत्र के इस स्वतंत्र दिवस के वर्षगांठ पर हम सब लोग आज इस बात की कसम खाएंगे, आने वाले 6 महीने बाद हमें झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर अपने बीच से झाड़ू वाला पार्षद जिताना होगा। हम क्या हमें किसी की दोस्ती यारी नहीं निभानी, गांव की रिश्तेदारी नहीं, ना पड़ोसी की माननी है, अब क्या किसी की नहीं माननी है आपके। हम सब लोग आपके एक ही काम करना कि झाड़ू, और झाड़ू तो गंदगी साफ करती है, भ्रष्टाचार मुक्त करती नहीं करती। तो MCD का भ्रष्टाचार मुक्त कौन करेगी? झाड़ू साफ कर देगी झाड़ू, तो इसके मुक्ति हमें मिल जाएगी। वे आराम से मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ना तुम्हारी ईंट हिलने देगा, ना कोई आपकी छत टूटने देगा, हम आपसे वादा करते हैं। आप झाड़ू वाला पासा जिताइए, मैं किसी के आपका एक ईंट भी हिलने देंगे आपकी, ना आपका लेंटर टूटने देंगे, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। तेरी शब्दों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, आपको मुबारकबाद, सभी को सलाम अलैकुम, सभी को खुदा हाफिज, सभी को मेरा जय भीम और सभी को मेरा जय हिंद। सभी घर वाले साथी, विधायक जी, पंकज भाई जी, सागर भाई, शर्मा जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी, अनिल भाई, अरविंद भाई, संजय यादव, गीता जी और मोहन भाई, कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो मैं आप लोगों से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि मोहित भाई ने यह आयोजन किया और आपके बीच में विधायक जी को बुलाया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है
कि आज हमें आजाद हुए हुए 75 ईयर हो चुके हैं, जिसमें आपके लोकप्रिय विधायक, आप जानते हैं कि कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दूसरा, हम लोग 75 साल पहले आजाद हुए थे, पर अभी हमारी लड़ाई बाकी है। आजाद तो हम हो चुके, पर आज की डेट में हमें अपने लोगों से आजाद होना है। जो सेंट्रल में बैठी हुई बीजेपी है, उससे हमें आजादी चाहिए। आज मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं, हमारे विधायक जी के आह्वान पर, माननीय केजरीवाल जी के आह्वान पर 6 महीने बाद दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है। मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं कि आपके यहाँ जो भी समस्या है वो सारी एमसीडी से ही दूर होंगी। विधायक जी बहुत प्रयास करते हैं, फंड एमसीडी को देते हैं, पर काम नहीं हो पाता है। जब हमारे पास हमारा खुद का निगम पार्षद होगा तो काम होगा। 75वीं आजादी की सालगिरह पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि विधायक जी अपना समय दें। विधायक जी, आज पूरा देश जो है 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रही है, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ में जो देश तो आज़ाद हो गया है, 1947 में देश आज़ाद हो गया था, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जनता नाखुश है, उसे अभी अभिव्यक्ति आज़ादी नहीं मिली, इस पर आपका क्या कहना है? आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आज अपने शहीदों को, अपने वीरों को, आज मैं भी और मेरे पार्टी के लोग भी, मेरे साथी के लोग सब आज उनको सलाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि इस आज़ादी में उन माताओं के पुत्रों को, उनके बेटों को, उनकी बहनों को, उनके माँ बाप को, जो इस सरहद पर जाकर इस आज़ादी दिलाने का जो कार्य किया है, मैं उन शहीदों की माता, उनके पिताओं, उनकी बहनों को भी मैं सलाम करता हूं कि ऐसे सपूत उन्होंने हमें दिए हैं, जो आज हम इस आज़ादी के इस माहौल में हम अपने विचार विचार रहन सहन जो परिपूर्ण से हम आज अपने आज़ादी के साथ जीने का जो अवसर मिला है वो हमें जो प्राप्त हुआ, तो इस आज़ादी पर मैं इस स्वतंत्र दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, सबको मुबारक देता हूँ। हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन अभी जातीय धर्म की आज़ादी अभी हमें नहीं मिली है। जिसका शोषण इस देश में हो रहा है, उसकी आज़ादी के लिए माननीय केजरीवाल साहब इस देश की धर्म की और राजनीति की, जो राजनीति को चेंज करने के लिए, केवल देश में विकास की बात करने के लिए, लोगों के, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो आज तक 75 साल में आज़ाद हुए हैं, इस देश में जो संविधान लागू हुआ है वो अभी तक लागू नहीं हो पाया, तो इसको दिशा केवल आम आदमी की पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की ही इस संविधान को दिशा और हिफाजत और रक्षा कर सकती है। तो मैंने आज अपील करी है कि ऐसे आज़ादी माहौल में हमें जाति धर्म की जो राजनीति के साथ हमें जो शोषण किया जाता है, तो हमें केजरीवाल जी को का जो हमारा झाड़ू का जो चिन्ह है उसके सामने वाला बटन दबाकर तमाम एमसीडी के जो भ्रष्टाचार से हमें मुक्त होने की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद, सभी को बधाई, सबको मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्वेश्चन कुछ नहीं है आज, परिचय के साथ में सबको मतलब संदेश दे दीजिए। सभी को नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर्ष विहार में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और माननीय विधायक हमारे चौधरी सुरेंद्र जी के साथ हम ध्वजारोहण करने आए हैं। आज़ादी तो देश को मिल गई है, लेकिन सही मायने में आज आज़ादी नहीं मिली है।
देखा जाए तो बॉर्डर पे किसान 8 महीने से बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कुछ भी मांग नहीं कर रहे, लेकिन जो तानाशाह सरकार है अपने कानों में तेल डाल के बैठी हुई है। तो अभी हमें भाजपा की इस तानाशाह सरकार से आज़ादी चाहिए। आने वाले MCD चुनाव में झाड़ू का बटन दबा के इनकी विदाई करनी है और फिर उसके 2 साल बाद केंद्र से भी इनकी विदाई करनी है, तभी हमें पूर्ण तरह से आज़ादी मिलेगी। धन्यवाद।